ओ भाई ये क्या हुआ? ओ भाई ये क्या? ओ भाई गायतुंडे भाई तो ये थे यार। शिट यार, शिट, गायतुंडे भाई तो यहाँ पे थे यार। हद हो गई यार, दिमाग खराब हो गया पूरा यार। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम है आपका अपने इस चैनल जेड एक्स तिवारी पर। सो गाइस, आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हमारे गेम में जब हम लोग रैंक पुश करने जा रहे थे तो गायतुंडे भाई हमारे गेम पर दिखे थे। इसी वीडियो की सबसे मजेदार बात अगर आपको बता दी जाए, सो गाइस सबसे मजेदार बात ये हुई थी कि एंड में हम लोगों ने गायतुंडे भाई की स्क्वाड से टीम अप कर लिया था। लेकिन गाइस इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठा मैं कि मैंने उन लोगों की टीम के साथ टीम अप तो ज़रूर किया, लेकिन गाइस मैं इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस गया जिसके कारण मैं गायतुंडे भाई को ही मारने लगा। तो हुआ कुछ ऐसा था गाइस कि जब प्लेन से हम लोग उतर रहे थे तभी हम लोगों ने देख लिया था फर्स्ट रैंक पे जिसका नाम आया है, जिसके सबसे ज़्यादा बैजेस थे, वो थे गायतुंडे भाई। और तुरंत ही हम लोग को डाउट हुआ कि शायद ये रियल गायतुंडे भाई हैं कि नहीं। तो उसी टाइम हमारा उसका जो एक पार्टनर था उसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो दूसरे फ़ोन से गाइस हम लोगों ने सबसे पहले जाके चेक किया कि गायतुंडे भाई के भी इतने बैजेस हैं या नहीं। तो गाइस जैसे ही हम लोगों ने देखा तो हाँ भाई बिल्कुल एक्यूरेट इतने ही बैजेस थे गायतुंडे भाई के। तो गाइस हम लोग यहाँ पर कन्फर्म हो चुका था कि अब यहाँ पर हमको गायतुंडे भाई मिलने वाले हैं। सो गाइस अब प्रॉब्लम क्या होने वाली थी वो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कर रहे थे अपना रैंक पुश और सभी के यहाँ पे 1 स्टार और 2 स्टार लगे हुए थे। गाइस दिक्कत ये आ रही थी गाइस कि मेरा तो कुछ भी नहीं था, मेरा तो सिर्फ हेरोइक लगा हुआ था, लेकिन भाई जेड एक्स तिवारी भाई के और भाई जितने भी हमारी स्क्वाड थी सभी के 1 स्टार और 2 स्टार, मिनिमम 2 स्टार तो सभी के थे। सो गाइस बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी हम लोगों के ऊपर, क्योंकि इनकेस अगर हम लोग को स्टार्टिंग में ही गायतुंडे भाई की अगर स्क्वाड मिल जाती सो गाइस रैंक माइनस होना तो कन्फर्म ही हो गया था। सो गाइस बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली थी। सो गाइस चलिए बताता हूँ आपको आगे वीडियो में क्या हुआ फिर। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सो गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो गाइस इस वीडियो में एक और चीज़ है, इस वीडियो में मैंने 160 का रिडीम कोड छोड़ा है। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें जिससे कि आप लोगों को वो 160 वाला रिडीम कोड मिल जाए। तो गाइस जो भी सबसे पहले जिसको भी रिडीम कोड मिले प्लीज़ हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको रिडीम कोड मिल चुका है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गायतुंडे भाई का हम लोगों ने बैजेस चेक कर लिए, तो हम लोगों ने पहले कंफर्मेशन कर लिया था कि यहाँ पे रियल गायतुंडे भाई आ चुके हैं गेम में। सो गाइस हम लोग जैसे तैसे अपने रैंक को पुश कर रहे थे और पूरा टोटल सर्वाइव करके गेम प्ले कर रहे थे और हमारी जो स्क्वाड थी वो भी टोटल अपनी तरफ से सर्वाइव करके खेल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग लैंड किए थे गाइस वहाँ पर शिपयार्ड में ऑलरेडी एक स्क्वाड थी, तो ऑलरेडी दिक्कत आ रही थी। लेकिन गाइस उसकी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हम लोगों को ये देख लिया था कि वो जो बंदे थे वो नॉर्मल थे, कोई बहुत ओपी बंदे नहीं थे, तो आराम से हम लोग उनको किल कर सकते थे। लेकिन हम लोग को दिक्कत ये थी कि अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग को गायतुंडे भाई की अगर टीम मिल जाती है तो वहाँ पर हमारा तगड़ा माइनस लग जाता गाइस। तो हम लोग टोटल सर्वाइव करके खेल रहे थे और हम लोग कहीं पर भी रश नहीं कर रहे थे गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो टीममेट्स थे, एक अकरम भाई थे, एक सोल्डर भाई थे और जेड एक्स तिवारी भाई और मैं, हम चारों रैंक पुश कर रहे थे गाइस। गाइस वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइस एक रिक्वेस्ट बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को रिडीम कोड मिलता है तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको रिडीम कोड रिसीव हो गया है। तो चलिए अब आप वीडियो को इन्जॉय करिए और सुनिए एक बढ़िया सा म्यूज़िक के साथ इस वीडियो को।
तो गाइज आपने देखा होगा कि वीडियो तो सब नॉर्मल चलता रहा, यहाँ तक हम लोग टोटल सेफ जोन के बाहर तक टोटल सर्वाइव कर करके खेलते रहे। लेकिन जब हम लोग इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे तभी गाइज मेरी नज़र गई नीचे, और जैसे ही गाइज मेरी नज़र गई नीचे तब मुझे समझ में आया कि भाई गायतोंडे भाई तो पूरी स्क्वाड के लिए डूबे हैं। तो गाइज यहाँ पे जब मैं चढ़ रहा था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे गायतोंडे भाई का कंटिन्यू नाम लिख के आ रहा है, वो अकेले ही पूरी स्क्वाड को चट कर गए थे। सो गाइज अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत टेंशन होने लगी थी कि शायद गायतोंडे भाई आसपास ही कहीं पे हैं, और क्योंकि बंदे भी ज़्यादा नहीं बचे थे और हमारा ऑलरेडी एक प्लेयर मर चुका था, तो गाइज यहाँ पे बहुत ही बड़ी टेंशन होने वाली थी। तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे डबल कैप्टर उठा लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे गायतोंडे भाई की स्क्वाड के साथ बहुत इजीली रश कर पाऊँ, क्योंकि गाइज टेंशन बहुत ही बढ़ते जा रही थी। और गाइज अगर हम लोग यहाँ पर भी मरते तो हमारा बहुत ही तगड़ा माइनस लगता है, क्योंकि गाइज आप लोगों को भी पता होगा कि हीरोइक के अगर 2 या 3 स्टार के बाद अगर आप बिना किल किए यानी तो अगर आप टॉप 10 में नहीं आ पाते हैं और किल नहीं हो पाता तो गाइज बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है और आपका तगड़ा माइनस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर टोटली फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ गेम प्ले कर रहे थे और टोटली सर्वाइव गेम प्ले कर रहे थे गाइज, ताकि हम लोगों को आगे दिक्कत ना जाए। तो गाइज ये फाइनली उसी जगह पर हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे इस पूरे गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है, क्योंकि गाइज हाँ यहां पे जब जेड एक्स सवारी भाई बोलते हैं कि एक काम करते हैं चलो हम अगर हमको उनसे रश नहीं करना है, हमको गायतोंडे भाई से रश नहीं करना है तो चलो हम एक काम करते हैं सबसे पहले उनकी स्ट्रीम पर जाके देख लेते हैं, क्योंकि गायतोंडे भाई मोस्टली जो भी अपना रैंक पुश करते हैं उसका लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि काम करना तुम मुझे चारों तरफ से देखना कि मेरा कोई हेडशॉट ना ले पाए, तब तक मैं जाता हूँ और उनकी स्ट्रीम को देख के आता हूँ, इनकेस अगर मुझे पता चलता है कि गायतोंडे भाई यहाँ पर हैं तो हम लोग फुल ट्राई करेंगे कि उनसे टीम अप हो जाए, बट इनकेस अगर ऐसा होता है कि अगर वो लोग टीम अप नहीं करते तो फिर हम लोग फुल ट्राई करते कि उनसे रश कर पाते और जैसे तैसे अपने रैंक को बचा पाते। तो गाइस यहाँ पर वापस आ गए थे वो देख के और हम लोगों को पता चला नहीं गायतोंडे भाई अभी लाइव गेम प्ले नहीं कर रहे हैं, तो गाइज हम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन था। और जैसे ही गाइज यहाँ से मैं निकल रहा था तभी मुझे पता चला कि यहाँ से 2-3 बंदे जो हैं वो नीचे से जा रहे हैं। अब गाइज हम लोगों की बहुत तेज़ वाली टेंशन ये हो गई थी कि शायद ये बंदे वही तो नहीं है कि गायतोंडे का स्क्वाड ही तो नहीं है, और लेकिन जेड एक्स तिवारी भाई तुरंत ही पहचान गए थे क्योंकि उन्होंने उनके कुछ टीममेट्स को जो देखा था और हम लोगों ने उनके यूट्यूब चैनल पर देखा था तो हम लोग को तुरंत समझ में आ गया कि ये वही टीममेट्स हैं। तो हम लोग जैसे तैसे उन लोगों से फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे लेकिन वो लोग कंटिन्यू फायर कर रहे थे, उन लोगों ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कि हाँ हम लोगों के साथ टीम अप करें, लेकिन तिवारी भाई और मैं हम दोनों कंटिन्यू टीम अप कर रहे थे क्योंकि एक बंदा जो था हमारा बहुत ही पीछे था और वो बहुत ही बाहर जोन के बाहर फंस चुका था जिस कारण वो हमारे साथ नहीं आ पाया था, तो हम दोनों अकेले रश नहीं कर पाते। सो इस कारण से हम लोगों ने फुल ट्राई किया कि उनके साथ टीम अप करें और फाइनली एक मोमेंट ऐसा आया कि उनका एक बंदा हमारे सामने से आया और उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा कि काम करो जाओ देख के अगर वो लोग सच में टीम अप करते हैं तो उनके साथ टीम अप कर लेंगे। और भाई गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने हमको इमोट दिखा के जैसे तैसे हमारे साथ टीम अप किया, यहाँ पे मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ भाई हमारा जैसे तैसे रैंक बच गया क्योंकि हम लोगों को बहुत ही तगड़ा माइनस लगने वाला था। और यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ तो क्यों मेरे साथ इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन लोग देख रहे हैं उनकी स्क्वाड से, एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं देख रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गायतोंडे भाई मर चुके हैं। तो गाइज ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साथ होती रही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं हो सकता है इनमें से ही कोई गायतोंडे भाई हो, लेकिन मैं उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो बिल्कुल नहीं पहचान पाया क्योंकि वो हर बार अलग अलग ड्रेस चेंज करके पहनते थे। और गाइज ये था सबसे खतरनाक मोमेंट जब उनकी ही स्क्वाड का एक बंदा उस साइड फायर कर रहा था
और मुझे ये लगा कि यार पक्का ये गायतोंडे भाई लोगों का तुरंत और यहाँ पे पलट के तुरंत ही मुझे M240 से भाई किल कर दिया। और जैसे ही मैंने देखा यार, ओ भाई ये तो गायतोंडे भाई थे जिन्होंने मेरे को हेडशॉट मारा था यार, और साथ ही साथ उनको डाउन कर दिया था किसी और बंदे ने। तो गाइस जैसे तैसे मैंने देखा और हमारी पूरी स्क्वाड एक ही सेकंड में वो लोग ख़त्म कर चुके थे। गाइस तिवारी भाई बचे थे और मैं बचा था, मेरे को गायतोंडे भाई ने पलट के तुरंत MP40 से हेडशॉट मार दिया था। मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं था गाइस, इतनी जल्दबाजी में था कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाया कि मैं डबल वेक्टर नहीं सिंगल वेक्टर से मार रहा था, और गायतोंडे भाई ने हेडशॉट वहां से दूसरे बंदे ने उनको हेडशॉट मार दिया। और गाइस आप लोग देख रहे हैं यहां पे क्या ही ओपी हेडशॉट मारा था, वन टैप मारा था गायतोंडे भाई ने, और फिर ये यहां पे जाके भाई इतना बढ़िया मूवमेंट आया था कि ओपी तरीके से गायतोंडे भाई ने हेडशॉट दे दिया और अपना बुरा किया। गायतोंडे भाई अगर आप सॉरी भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं आपसे रश करूं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हम आप लोगों से टक्कर लें, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आपकी ही टीम का एक था टीममेट था जो कि आपकी तरफ फायर कर रहा था, इसके कारण मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको फायर किया भाई। तो गायतोंडे भाई वंस अगेन मेरी तरफ से बिल्कुल बहुत बड़ा वाला सॉरी यार, क्योंकि मैं बिल्कुल आपसे रश नहीं करना चाहता था, फिर भी जो मैंने गलती की उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आपसे रश नहीं करना चाहता था। और गाइस जितने भी लोग हमारे चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको लगती रहे। तो गाइस आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ इसके बारे में आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।